वहीं दिल्ली से बड़ी खबर है। एनसीआर में दिन भर बारिश होने के बाद सोमवार को कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा और आसमान में बादल भी छाए रहे। इस कारण से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में सामान्य से 3-4 डिग्री बढ़ोतरी देखने को मिली। सोमवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक 11.4 डिग्री और अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक 22.6 डिग्री दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान बीते 22 दिनों में सबसे अधिक रहा। वहीं दोपहर बाद मौसम ने फिर करवट बदली और शाम होते होते रुक रुक के बारिश होती रही। सोमवार को सुबह कोहरे के कारण दृश्यता हालांकि कम हो गई और सुबह सफदरगंज में मौसम केंद्र में दृश्यता 50 मीटर तथा पालम में 150 मीटर दर्ज की गई। सुबह 10 बजे के बाद बादलों और धूप की लुकाछिपी का खेल चलता रहा और शाम होते होते रुक रुक कर बारिश होती रही और रविवार को दिल्ली में एक ही दिन में 39.9 मिलीमीटर बारिश हो चुकी थी। वहीं सोमवार को शाम 5:30 बजे तक 1.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है और विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल में तेज बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है और इसके बंद होने के बाद तापमान में फिर से गिरावट दर्ज की जाएगी। पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।